नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। पीलीभीत की पूरनपुर ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शादी के लिए क्षेत्र आवेदन किए गए थे, जिसमें 55 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान ने दीपक प्रज्वलित करके सामूहिक विवाह कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं पर ब्लॉक परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 55 जोड़े बने एक दूसरे के साथी। साथ ही सभी जोड़ों का विधि विधान के साथ विवाह कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। विधायक बाबूराम पासवान ने सभी वर और वधु को आशीर्वाद देते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी और साथ ही विवाह समापन प्रमाण पत्र व आवश्यक सामग्री देते हुए आशीर्वाद दिया। वहीं पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आशुतोष कुमार दीक्षित व खंड विकास अधिकारी सर्वेश कुमार एवं सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जो यहाँ पर बैठे हुए विद्वान आचार्य लोग आज आप देख रहे हैं शांति कुंज से आए हैं और विधि विधान से पूजन हो रहा है, जो प्राणी संस्कृति का आज एक अपने में अलौकिक और बहुत बड़ा कार्य जो इनको याद दिलाया जा रहा है कि संस्कृति के द्वारा आपके जीवन को कैसे यापन करना है, आपके क्या अधिकार हैं, वधु के क्या अधिकार हैं, वर के क्या अधिकार हैं, उनको जीवन भर निर्वाह करें, एक दूसरे के दुख सुख में भागी हों। ये बहुत बड़े जो पल हैं सुनहरे आज मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इनका भविष्य उज्जवल रहे, हमेशा उन्नति करें। इसी के साथ में धन्यवाद भी इन्हें देता हूँ, आशीर्वाद। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह कार्यक्रम चल रहा है, जो बगैर किसी भेदभाव के ऊंच नीच का भेद मिटाना, चाहे छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, सबको एक मंच पे ला के खड़ा करना, सबका साथ सबका विकास उनका नारा है भारतीय जनता पार्टी का, उसी को साकार करते हुए सबका सम्मान सबका विश्वास सभी को समान रूप से दान दहेज गिफ्ट उपहार और एक समान एक पास पास वेदी पे बैठा के हमारे विकास खंड पूरनपुर में 55 जोड़े एक दूसरे के बने। हम आपके माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए सभी को शुभ आशीष प्रदान। सर, जैसे कि 55 जोड़ों का जो सामूहिक विवाह हुआ है, तो इनको कितना कितना वो दिया गया धनराशि? शासन की मंशा अनुरूप प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, जिसमें 6,000 रुपये खाना पीना और टैंक व्यवस्था, जिसमें विद्वान पंडित के माध्यम से कार्यक्रम कराया गया, और 35,000 रुपये जो वधु है उसके खाते में दिया जाएगा, और जो है वह उन्हें सम्मान दिया या गिफ्ट दिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।